शुरू कैसे किया, किसी को कांटेक्ट किया, मुश्किल काफी था, किया, काफी किया, कितने कितनी कितनी दफा लड़खड़ाए, कुछ शेयर करेंगे? अच्छा, मेरा अल्लाह ताला, आई बिलीव कि अल्लाह ताला ना आप पे उतना ही बोझ डालता है जितनी आपकी कैपेसिटी होती है. तो मेरी थी कोई 30-28 दिन की. ओके. और मैं 28वें दिन टूट गया था. तो मैं सीवी जाता था. आई यूज टू लिव एट माई खालास. तो वो मुझे कहती थी, उनके लिए, उनको इंडस्ट्री का पता नहीं था. शी यूज टू आस्क मी, अच्छा क्या बना गए हो? तो गाड़ी में अपनी लाया था. तो मैं क्या करता था, गाड़ी स्टार्ट करके घूम फिर के ना सी व्यू चला जाता था. और सी व्यू पे बैठ के ना सनसेट देख रहा हूँ, डिप्रेशन में. हाँ, दोस्त था एक, मिल लेता था. तो आई वॉज डिसाइडिंग के चलते क्या हो क्या रहा था, आप अप्लाई कर रहे थे? नहीं, आई वॉज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट पीपल, रेफरेंस के साथ भी, रेफरेंस के बगैर भी नहीं मिल रहा था. रेफरेंस के साथ तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था. रेफरेंस के बगैर ये था कि वो डेट दे देते थे. अच्छा. मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक है प्रोडक्शन हाउस, अब मुझे मिलते हैं वो. हाँ. बड़े प्यार से और उस तरह. तो वो, उनको मैंने कॉल की विद रेफरेंस. तो उन्होंने मुझे कहा, एक होता है आप कहते हैं परसों कॉल करना, नेक्स्ट वीक. उन्होंने मुझे कहा अगले महीने कॉल करना. मैंने कहा सर कितनी कितनी देर बाद? एक महीने बाद. अच्छा, मैंने सीरियस लिया. मैंने कहा यार बड़ा एक डेट बताइए, इसी पे करूंगा. अच्छा, यू थॉट कि बड़ा इंपॉर्टेंट. हाँ, उन्होंने मुझे बड़ा रियलिस्टिक दिया. एक महीने बाद मैंने एक महीने बाद कॉल की. उन्होंने फिर कहा एक महीने बाद कॉल करना. मैं समझ गया ये कहते हैं सबको, मैं कॉल नहीं करूंगा दोबारा. लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक चेंज आया. चेंज ये था कि मैं मिला हुआ था फहद मुस्तफा से. अच्छा. फहद भाई से, आई कॉल हिम फहद भाई, लेकिन ऑडियंस के लिए मैंने पहले फहद मुस्तफा बोला है ताकि बताओ. तो मैं उनसे एक दो बार मिला था. और फहद भाई का ये एक जेस्चर है सबके साथ, खाली मेरे साथ नहीं, कि वो अगर देखते हैं ना किसी को काम करना तो वो कहते हैं अच्छा मुझे मिलना बताना. तो एक टर्म ना मेरे माइंड में आया उनका कि यार उन्होंने मुझे एक बार कहा था. अच्छा, पहले नहीं गए थे? हाँ, आप या आप नहीं आफ्टर? हाँ, उनसे नहीं, मैं टूट के उन्हें मैं टूट के मिला हूँ. ये टूट के मैं आ गया. तो मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था. मैंने नंबर निकलवाया एंड आई टेक्स्टेड हिम. अच्छा. आप यकीन करें, वो लोग जिनका मैं अभी आपको बताऊंगा भी तो आप कहेंगे कि वो कौन, उनका जवाब नहीं आता था. और उनका मुझे विद इन 5 मिनट्स मैसेज आ गया था कि अच्छा अच्छा मिलो. तो उनसे मैं मिला और उनका एक ही क्वेश्चन था कि क्या करने आए हो कराची, क्योंकि उनको पता था मैं लाहौर से. तो मैंने उनको कहा एक्टिंग करने. तो उसके बाद ना उन्होंने मुझसे आज तक पूछा है और ना हमारी इस बारे में बात हुई है. काम मैं नॉन स्टॉप कर रहा. मतलब he did help you? Yeah, a lot. He helped me when even I was doubting myself. क्या नसीहत की उन्होंने, क्या यार guidance के लिए कुछ बोला आपको? सच बोला उन्होंने मेरे साथ. क्या कहा? उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया मैं एक्टर नहीं हूँ. ओह, ओके. सीधा बताया. That's very hard to hear. हाँ हाँ, लेकिन अच्छा लगा मुझे. Okay. क्योंकि देखें, अगर आपको मुझे वो जिस तरह मेरे दोस्त या कोई पास कह देता कि नहीं वाह वाह बात, क्या बात है ये. उन्होंने मुझे बताया कि बॉडी नहीं चाहिए. आई हैड ह्यूज बाइसेप्स, फुल रिप्ड गाय, हर वक्त नंगा रहने के लिए तैयार. हाँ हाँ, कि यही काम है, ये उतारूंगा शर्ट, ये बाजू निकले. नहीं, सलमान खान से. हाँ, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा. देन उन्होंने मेरा काम देखा तो ही रियलाइज, क्योंकि मैंने एक्टिंग की नहीं थी. तो ही टोल्ड मी कि यू नीड टू डू सोप्स. उनका एक फंडा है, ये ऑलवेज टेल मी कि बुरा काम कोई नहीं देखता. गुजर जाता है इसी टाइम व्हाइल वी आर टॉकिंग. कितने चैनल्स पे कितने ड्रामे चल रहे हैं, आप 5-6 देखती होगी. नहीं, 5 से तो ज्यादा देखती हूँ, बट हाँ लिमिटेड देखती हूँ, सिलेक्टेड देखती हूँ. उन्होंने कहा नहीं देखती दुनिया, अगर बुरा होगा तो निकल जाएगा. लेकिन द डे अच्छा करोगे सब देख लेंगे. तो यू नीड अ पर्सन लाइक दैट. तो वो ये होता था, क्योंकि मुबारक हो बेटी हुई हिट हो गया था. एक बहुत सुपर हिट ड्रामा था मुबारक हो बेटी हुई. हाँ, आई वॉज देयर इन द सेकेंड हाफ. आई वॉज द ओनली गाय. तो मुझे हुआ वाह वाह वाह, टाइम आ गया मेरा. अच्छा. एनी टोल्ड मी नहीं. ओह, एक और रियलिटी चेक. हाँ हाँ, अभी भी अभी जलन के बाद. जलन अभी भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं उन अब ही टेल मी कि सिर्फ काम करो. अच्छा. अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ बोला नहीं उन्होंने. हाँ हाँ, उन्होंने कहा काम करो, कुछ नहीं किया अभी. अभी उन्होंने मुझे कहा 10 ड्रामे करने के बाद बात करेंगे लंच पे.
लंच पे बैठेंगे फिर बात करेंगे और फिर आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि उन्होंने क्या बोला आपको और शायद हम एक और इंटरव्यू करेंगे because it's very interesting. Yeah, so he's there, he's like a father figure. बेटा भी कहते हैं मुझे प्यार से कभी कभी जब बहुत प्यार आ रहा हो तो मुश्किल है फाद मुस्तफा को आपका फादर इमेजिन करना सोचे सोचे इट्स अबाउट मेरे दो साल का गैप है पर ही कॉल्स मी बेटा कभी कभी और वैसे तो he's like a elder brother. हाँ 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 तो वो कहते हैं ना कि जब इवन आई वॉज डाउटिंग मायसेल्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि सनसेट पे बैठ गया हूँ और सोच रहा हूँ कि तो एट दैट टाइम अगर कोई आपको कहे ना कि चलो करो करो सो ही ट्रस्टेड मी तो अब उन्हें अच्छा लगता है कि पीपल आर सेइंग कि यार वाजी वाह देखता है ये आंख उठा के ऐसे देखता है तो अच्छा लगता है उन्होंने एक्टिंग पे कोई टिप्स नहीं थी आपको अच्छा वो नहीं देते वो नहीं देते ही जस्ट किसी का अपना स्टाइल हाँ उनका ये स्टाइल है वो कहते हैं एक्सप्लोर योरसेल्फ करो True. क्योंकि बहुत इजी रखा है मैं भी आपके साथ बैठ के ना क्राफ्ट पे डिस्कस कर लूंगा मैं आप कहेंगे मैं शुरू हो जाऊंगा क्राफ्ट मैं यूं मैं वो कुछ नहीं आप स्क्रिप्ट पकड़ते हो हमारे यहाँ टाइम नहीं है आपने एमर पढ़ा मैं एमर हूँ द फीलिंग्स आर सेम नाउ इमोशंस आर सेम ये मेरे इमोशंस हैं प्लेट स्क्रीन पे दिखा दो वाह वाह और अगर नहीं कर पाए तो नहीं सिंपल इतनी सिंपल ही रखे हैं एक्टिंग तो अच्छा है मेरे मानना है क्योंकि मैंने अभी दो ड्रामे किए हैं डंक एंड गमंडी तो गमंडी में मैंने सिर्फ दो सीनों की वजह से वो जो दो सीन है उस ड्रामे में उसकी वजह से वो ड्रामा करना चाहा आई हैड एन ऑप्शन कि मैं उसकी जगह एक और चैनल बहुत बड़ा चैनल उसका ड्रामा करूं सेम कास्ट के साथ ओके सेम कास्ट अभी चल रहा है उनका दूसरा हाँ तो या ये करूं वो दो सीन थे जिसकी वजह से मैंने किया और वो सुहेल जावेद को मैं क्रेडिट दूंगा सुहेल भाई को कि वो जो दो सीन है वो अभी तक मुझे वो होता है ना कि बड़ा शौक है वो देखने का कि वन टेक है 11-11 मिनट का सीन है और आप मुझे बहुत नफरत करेंगी जो मैंने किया उसमें अच्छा ये बताएं घर वालों का क्या रिएक्शन था जब भी आप मतलब एक तो ये कि एक्टिंग कर रहे हैं अकाउंट्स मतलब ACCA करके करने के बाद यू गोइंग फॉर एक्टिंग हाँ जी हाँ जी फिर उसके बाद कामयाबी भी नहीं हो रही रोना धोना भी चल रहा है मैं आपको honestly, कुछ ना कुछ तोड़ते तोड़ते उनको न्यूज मिलती होगी खाला से नहीं नहीं दे सॉ मी जब मैंने आपको बताया ना आई लेफ्ट दैट शो जो रोड शो था तो वी हैड दिस न्यू हाउस तो मैंने शुरू कर दी गार्डनिंग आपको पता है इंसान जब बिल्कुल फ्री होता है तो वो कहता है मैं क्या करूँ तो मैंने कहा ओहो ये तो गार्डन बनना चाहिए बट दैट्स वेरी थेरेप्यूटिक मैं शुरू हो गया अच्छा मैंने गार्डन बना दिया गार्डन के बाद मैं ग्रीन बेल्ट पे चला गया मैंने ग्रीन बेल्ट बना दी अपनी फिर मैंने सामने वाली देखी इट्स वे क्या सामने वालों की भी बना दी ग्रीन बेल्ट के इर्द गिर्द भी प्यारा अच्छा वो यहाँ नीचे खत्म हो गया मैं छत पे ले गया बाग कंस्ट्रक्शन कराई मैंने वहाँ क्यारियां बनवा दी तो किसी ने कुछ बोला नहीं जब मैं छत पे पहुंचा ना तो फिर इंटरवेंशन हुई ओके फिर मुझे गार्डन में बिठाया गया फैमिली उसी गार्डन में जो मैंने बनाया आई ट्रेन्ड अ डॉग ऑल्सो मेरा रॉटवाइलर था उसको भी ट्रेनिंग ऐसी कर दी थी कि क्या बात है ऐसा लगे कि मिलिट्री का कुत्ता है तो उन्होंने बिठा के कहा कि ऐसा करो आई हैव अ क्लोदिंग लाइन ऑल्सो कपड़ों का काम है तो उन्होंने कहा ये कर लो तुम तो ये पैसे ले लो और अब वो मेरे पास था यहाँ तो मैं ये काम कर लूँ अगेन वो बिजनेस और ये यहाँ मैं तो आई आस्क देम कि मुझे एक ट्राई करना है अच्छा मुझे कराची जाना है एक बार जब बड़े आपने ना वो ड्रामे से आपने किया कि गार्डन वार्डन में कर दूं सबको एहसास हो जाए कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन में अगर ये मैं मांगू तो मुझे मिल जाएगी बड़ी आपने स्ट्रेटजी से खेला ऑनेस्टली स्पीकिंग छत पे पहुंचने पे वो आई नीचे आपने कहा मैं कराची जा रहा हूं अच्छा मैं छत पे ले गया था गार्डन ये वही मैं कह रही हूं नहीं नहीं मैं सच स्ट्रेटजी से चले आप नहीं नहीं मैं सच बताऊं क्योंकि